40,000 अराउंड की प्राइस में बहुत ज्यादा भयंकर पीसी होने वाला है। वीडियो एंड तक जरूर देखना यार, कोशिश करते हैं क्योंकि बेंचमार्क भी होंगे यार। सो प्रोसेसर हमने लिया इसमें राइजन 5 5500, 6 कोर 12 थ्रेड्स के साथ मिलता है, 19 MB की कैशे है, 3.6 से 4.2 GHz तक जाता है ये। प्राइसिंग इसकी 11,250 निकलती है। मदरबोर्ड की बात करूं MSI की तरफ से B550 प्रो VDH Wi-Fi DDR4 जिसकी प्राइसिंग आपको 10,000 के अराउंड मिल जाती है। काफी अच्छा मदरबोर्ड है ये, B550 को अच्छा खासा यूटिलाइज करता है, तो गेमिंग के बवाल होने वाली है। और ग्राफिक्स कार्ड भी है तो वेट करो यार, बेंचमार्क भी दिखाऊंगा, मजा आने वाला है। रैम हमने लिए 60 GB की डेमेक्स की तरफ से D30, प्राइसिंग आपको 3800 के अराउंड मिल जाएगी। 512 GB की SSD लिया है एंड स्पोर्ट्स की तरफ से जिसकी प्राइसिंग आपको 3000 के अराउंड मिल जाएगी। कैबिनेट हमने इसमें लगाया ICE 280 TGW जिसकी प्राइसिंग आपको 3000 के अराउंड मिलती है। पावर सप्लाई हमने इसमें लिया है 550 वॉट जिसकी प्राइसिंग आपको 3200 के अराउंड मिलती है। और ग्राफिक्स कार्ड हमने इसमें लगाया है GigaWire की तरफ से 1650 जिसकी प्राइसिंग आपको 10,000 के अराउंड मिल जाती है अभी। और 1650 with 5500 एक अच्छा तगड़ा कॉम्बिनेशन बनाता है गेमिंग के लिए। थोड़ा सा बजट जो है 40,000 के ऊपर गया है, बट यार देखो आपको जो है अच्छी लेवल के कंपोनेंट्स, अच्छा स्पेसिफिकेशन और अच्छा आउटपुट निकालना चाहिए। अगर आप 40,000 तक का अमाउंट स्पेंड कर रहे हो तो अगर आप 2-3 हजार ज्यादा ऊपर जाओगे तो कोई इतना इशू नहीं होगा, थोड़ा सा एक्सपेंड कर सकते हो, जान दे देंगे इसके लिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हो, आपका आउटपुट देखना है कि मैं अगर ये चीज पे अपग्रेड करूंगा तो मैं कितना और परफॉर्मेंस निकाल सकता हूँ, तो ये सब आपको सोचना पड़ेगा। और यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो बहुत मेहनत से बनती है यार, और आपके सपोर्ट के साथ ही ये फैमिली ग्रो पाएगी, तो प्लीज सब्सक्राइब लाइक शेयर। आप जिस तरीके से कंट्रीब्यूशन देना चाहते हो दे सकते हो, सोचे मत, सब्सक्राइब कीजिए। थोड़ा फंड ट्रांसफर करना है, आई डोंट माइंड। बेंचमार्क देख लेते हैं, तो अभी मैं स्पॉटलाइट लगा दिया है, ये देख सकते हो सेटिंग्स में जाके, और आप पॉज करके सारी सेटिंग्स देख सकते हो। वैसे मैंने मीडियम पे ही लगाया है और ना हाई सेटिंग्स पे नहीं रखा है अभी। और देख सकते हो अभी जो एवरेज FPS है वो अराउंड 200 आ रहा है, और मैक्स जो जा रहा है वो 332 गया है, दैट इज रियली गुड। और अच्छी खासी गेमिंग आप कर पाओगे फॉर्टनाइट, तो आराम से खेल पाओगे यार, कोई इशू नहीं होने वाला है। 40,000 के अराउंड का बजट का गेमिंग पीसी बिल्ड, तो इतना तो करना ही होगा। आपको थोड़ा सा CS:GO दिखाया था, मैंने नॉर्मल सेटिंग्स पे ही रखा है, और आप पॉज करके एक बार देख सकते हो 1080p पे हमने लगा लिया। वैसे जो एवरेज FPS आ रहा है वो 300 के अराउंड आ रहा है CS:GO में, तो दैट इज रियली गुड। और देखो CS:GO Fortnite ये सब आप गेम्स आराम से खेल पाओगे। और अब बात कर लेते हैं हमारे Valorant के बारे में, तो अभी देख सकते हो नॉर्मल सेटिंग्स पे ही मैंने खेल रहा हूं मैं, एवरेज FPS जो है वो 260 के अराउंड आ रहा है, दैट इज रियली अमेजिंग। और अब हमारा सबसे पसंदीदा सबसे ज्यादा बेस्ट गेम GTA 5 1080p पे लगा लिया हमने, और देखो तो ग्राफिक्स जो है सब वेरी हाई पे, सब कुछ वेरी हाई पे किया है, और शेडोज वैसे हमने ऑफ किया हुआ है, तो देखो तो एवरेज FPS जो है वो 87, 88, 90 के अराउंड लाइक कर रहा है, तो आराम से आप गेमिंग कर पाओगे। और थोड़ा चीट कोड लगा लिया हमने, थोड़े से यहाँ पर मजे इसके लिए GTA 5 बना है। देखो तो अभी 85, 84 चल रहा है, 85 टू 90 ये एवरेज FPS लाइक कर रहा है, तो काफी अच्छी गेमिंग आप कर पाओगे। इतना फैसला मिलते हैं, टेक केयर, बाय।